आप देख रहे हैं अमेज नाउ। जी का इतना बड़ा चेहरा है, 56 इंच का सीना है, तो जनता चाह ही रही तो बिलेट पेपर से करा के देखे ना उसका 56 इंच है कि 6 इंच है। अनाज देने की क्या जरूरत है, आप रोजी रोटी दो उसको, आप रोजगार दो। अगर एक मोबाइल है हो सकता है तो मशीन क्यों नहीं हो सकती है। ईवीएम से मोहब्बत हो गया और मोदी जी, तो हमको ताज्जुब लगता है की मोदी जी को बीवी से मोहब्बत होना चाहिए तो ईवीएम से मोहब्बत हो गया। पहले से दी गई चेतावनी के मुताबिक विभिन्न राज्यों के सैकड़ों जनपदों और हजारों तहसीलों से तकरीबन 1 लाख लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और उनका इरादा था चुनाव आयोग का घेराव करना। आपको बता दें, इतना बड़ा मूवमेंट सिर्फ ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ जुड़ा हुआ है। आपको जानकारी होगी, पिछले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के तमाम अधिवक्ताओं ने ईवीएम के विरोध में यहीं से मार्च किया था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उस आंदोलन को वहीं रोक दिया। लेकिन अलग अलग 4 मौकों पर जनता द्वारा एक बड़े आंदोलन की चेतावनी पहले से ही दे दी गई थी और उसी के परिणाम स्वरूप, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे, जंतर मंतर पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे। हालांकि आज की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था थी और बैरिकेडिंग भी कर दी गई थी। आपको बता दें, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 567 जिलों के तकरीबन 4,500 तहसीलों से लोग बाग ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सभी के हाथों में झंडे बैनर मौजूद थे। कई प्रदर्शनकारी तो इतने उतावले थे कि उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगा तो हम उन सारी ईवीएम मशीनों को तोड़ डालेंगे। जी का इतना बड़ा चेहरा है, 56 इंच का सीना है, तो जनता चाह ही रही तो बिलेट पेपर से करा के देखे ना उसका 56 इंच है कि छा। तो और भी चेतावनी है कि ईवीएम मशीन भी फोड़ेंगे। पूरे देश में 15 लाख ईवीएम मशीन को फोड़ने की प्लानिंग है हम लोग का। 15 लाख ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग बोलता ना हमारे पास 20 लाख चुनाव ईवीएम मशीन है, हम लोग 15 लाख फोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या चीज से चुनाव। जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकता, फिर चुनाव आयोग को क्या मोहब्बत हो गया ईवीएम से ही चुनाव कराएगा। ईवीएम से मोहब्बत हो गया और मोदी जी, तो हमको ताज्जुब लगता है कि मोदी जी को बीवी से मोहब्बत होना चाहिए तो ईवीएम से मोहब्बत हो गया। ईवीएम का आंदोलन नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। जो कंडीशन खड़ा किया जा रहा है इस देश में, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी का जो हक अधिकार है उसको धड़ल्ले से खत्म किया जा रहा है। खत्म करने में मैन भूमिका जो चुनाव आयोग जो ईवीएम माध्यम से घोटाला करवा रहा है, इसकी वजह से भाजपा RSS की सरकार जो है उसको जनता से डर नहीं लगता है। इसीलिए देख रहे हैं आए दिन आंदोलन होता रहता है लेकिन किसी का कुछ सुनता नहीं है। क्यों? उसको डर नहीं जनता से, ईवीएम से जीतता है। मीडिया उसका जो अपना है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, गोदी मीडिया के माध्यम से माहौल बनाता है और ईवीएम मशीन से जीतता है चुनाव। जनता से उसको कोई डर नहीं है। खेला होता रहता है, कोई बड़ा बात नहीं। नीतीश कुमार खेले या कोई खेले, खेल हो रहा। नीतीश कुमार को देखिए, पलटू राम नाम पर गया, गए किसके गोद में, जो है क्या नाम, झांसा राम, उसके हाथ में गए हैं। मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है, 56 इंच का सीना है, तो जनता चाह ही रही तो बिलेट पेपर से करा के देखे ना उसका 56 इंच है कि 6 इंच है, तब तो समझ में आएगा ना। और भी चेतावनी है कि ईवीएम मशीन भी फोड़ेंगे, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, आक्रमक हो जाएंगे। पूरे देश में 15 लाख ईवीएम मशीन को फोड़ने की प्लानिंग है हम लोग का। 15 लाख ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग बोलता ना हमारे पास 20 लाख चुनाव ईवीएम मशीन है, हम लोग 15 लाख फोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या चीज से चुनाव करा ले। चोर जब पकड़ाता है यही सभी साबित करने की कोशिश करता है भाई हम चोर नहीं है। हाँ, वही तो करेगा वो। चुनाव आयोग चोर नहीं, चोरों का सरदार है, सरदार है चुनाव आयोग। अगर हम लोगों को भी अगर मशीन दे दी जाए ना तो हम लोग भी हैक करके दिखा देंगे कि होती कैसी। और क्या, बिल्कुल। अगर एक मोबाइल हैक हो सकता है तो मशीन क्यों नहीं हो सकती है। बिल्कुल, जब विदेशों में बैलेट पेपर चल रहा है तो यहाँ मतलब ईवीएम क्यों, मतलब ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे। पहले से नहीं होते थे बैलेट पेपर से, अभी से क्या खाली देश पीछे नहीं जा रहा। अच्छा एक बात बताइए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होने की वजह से देश पीछे चला जाता तो अमेरिका से आगे क्यों नहीं है भारत? ईवीएम से चुनाव करार बनाता तो है ना, बनाने का औकात तो है ना, खरीद के लाता है, जो बनाता है बैलेट पेपर से करा रहा, जो साला खरीद के ला रहा वो ईवीएम से चुनाव करा रहा। जिस देश में आज भी साक्षरता मिशन की जरूरत हो, जिस देश के जनता को आज भी मोबाइल चलाना सही से नहीं आता हो, 90% जनता को, वहाँ ईवीएम से चुनाव करा के यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग चुनाव लगाओ आयोग हो गया, समाज की जनता को वोट को चुना लगा रहा है यहाँ। हाँ। मैडम गुस्सा नहीं होगा, जिसको हम वोट देते हैं वो मेरा नेता चुन के नहीं जाता संसद में। हाँ। जिसको हम नहीं चुनते हैं दलाल भरुआ वहाँ पहुँचता है, जो हमारे समाज के हक अधिकार को खा के वो बैठा हुआ वहाँ।
अपना पेट्रोल पंप खोल लिया, मॉल खोलने के चक्कर में है, हमारा समाज सब भूखा प्यासा मर रहा है, सब गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है, 5 किलो राशन के नीचे। इस ईवीएम के माध्यम से इस देश में 3.5% जो है यहाँ के ब्राह्मण, वहाँ का शासन सत्ता स्थापित उसका हो गया है, और यहाँ के SC ST OBC को 5 किलो अनाज के पीछे मजबूर कर दिया गया है। और मोदी जी बोलते हैं 84 करोड़ 80 करोड़ लोग को अनाज दे रहे हैं, अनाज की क्या लोगों को अनाज देने की क्या जरूरत है? आप रोजी रोटी दो उसको, आप रोजगार दो। विदेश में क्या है, विदेश में क्या है, विदेश में शिक्षित किया जाता है, अगर बेरोजगार है तो उसको पैसा दिया जाता है, जब तक नहीं होता सरकार पैसा देती है, उसके बाद रोजगार उसके जरा में 1 सप्ताह में पेपर तैयार होगा, जब तक लिस्टिंग नहीं होता किसी का सैंपल तैयार नहीं किया जाता है, 1 सप्ताह में बैलेट पेपर। जन आंदोलन और बड़ा आंदोलन बनेगा, नहीं मानेगा तो पूरे देश में आंदोलन होगा। इसमें अगर ईवीएम से अगर घोटाला नहीं होता है मैम, तो चुनाव आयोग मोदी जी स्पष्ट बैलेट पेपर से करा रहे, हम मान लेंगे उनको भी प्रधानमंत्री। और जिस देश ने ईवीएम बनाई थी, शुरू की थी, वो देश आज बैलेट पेपर से क्यों करवा रहा है, ये जीता जागता उदाहरण है। और जो सरकार बनती है ये उनके हिसाब से बनती है, ना कि जनता से। लोकतंत्र की हत्या की है इन लोगों ने, इन लोगों ने पूरी जानबूझ के प्लानिंग के तहत जिसको बनाना है, फॉर्मेलिटी चल रही है, चुनाव सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बाकी इनको मालूम है किसको बनाना है। 3% लोगों ने देश पे कब्जा कर रखा है, अगर इनको है तो जीता जागता उदाहरण। एक छोटा सा बता दे मैम कि अगर ऐसा है तो मीडिया, मीडिया को देखेंगे हम, झूठ किसी को आरोप नहीं लगाते। 1,000 2,000 5,000 लोग होते हैं, टीवी पेपर में बताते हैं, आज इतने लोग है टीवी लाइव बताते, अगर ये अगर स्पष्ट है तो पूरे देश में वो 4 लोग जो बीजेपी के बेल कंपनी में है उनके, वही तो लोग ईवीएम को सेट करके देते हैं ताकि चुनाव जीता जा सके। अब तोते की जान तो ईवीएम में है, अगर ईवीएम हमारी जो ये ईवीएम अगर ईवीएम हटगी तो वो जीत ही नहीं पाएंगे। सब कुछ उनके, सब कुछ उन्होंने दावे पे लगा दिया, हमारी लड़ाई भी कराएंगे, हमारे हमारे बीच में षड्यंत्र फैलाएंगे, हर तरीके से वो हमें जो है भड़काएंगे, एक दूसरे को, मूल निवासियों को भड़का करके, और ईवीएम चुनाव कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। देश की जनता जो है रोड पे आ चुकी है, बेचारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, हर चीज से उनको उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत बहुत ज्यादा परेशान है, हमारे जैसे खुद लोग परेशान है। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय जुबली रोड गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। कई प्रदर्शनकारियों ने तो यहां तक कह डाला कि जब सारी दुनिया बैलेट पेपर के साथ चुनाव कराती है तो भारत में ईवीएम से क्यों? अब देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है। चुनाव करीब है, केंद्र सरकार क्या सोचती है, चुनाव आयोग नसीहत देता है या लेता है? ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो आपको जानना पड़ेगा कि दुनिया के इतिहास में, चाहे लीबिया हो, हम लोगों ने लीबिया में जनक्रांति देखी, हमने नेपाल में जनक्रांति देखी, हमने श्रीलंका में भी जनक्रांति देखी। इसलिए भारत की जनता को जनक्रांति करने के लिए अवसर न दें, क्योंकि जनक्रांति जब होगी तो ये सारे जो विदेशी मूल के लोग हैं और मूल निवासियों पर शासक कर रहे हैं, उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।